ये ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आपको जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, किसी का पूरा जबड़ा ही निकाल देना पड़ा, आंख निकालनी पड़ी, ये मेरा चिंता का विषय है। इसमें नाक, मुंह, दांत, आंख, मस्तिष्क और बाकी अंग भी संक्रमित हो जाते हैं और अभी तक 50 रोगियों की पुष्टि अब तक हुई है पूरे प्रदेश में। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए, इलाज के प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उपचार महंगा भी होता है, एक इंजेक्शन महंगा लगता है, इसलिए ऐसे मामले जो आएंगे उसमें भी राज्य शासन ऐसे पेशेंट्स को भरपूर सहयोग करेगा। वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं तो हम उनके भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का पूरा हम प्रयास करेंगे।